हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ओडिशा फेमस पखाल। और इसे मैं आज बनाऊंगी इससे लॉन्ग ग्रेन राइस। और एक्चुअली मैं यूके में रहती हूँ तो यहाँ पे यही राइस मिलता है, इसमें ही बनाना है आपको पखाल। और इसे कैसे बनाते हैं मैं आगे प्रोसेस का बताती हूँ। सबसे पहले इसे अच्छे से धो लेंगे और इसमें डबल से ज़्यादा थोड़ा पानी देकर इसमें हमें पकाना है, क्योंकि इसको कम से कम हमें 30 से 35 मिनट तक लगेगा पकाने के लिए। तो अभी हम गैस में इसमें बिठा लेंगे और इसमें ढक कर रखेंगे ताकि इसमें उबाल आने तक। ओके, और अभी देखिए इसमें उबाल आ चुका है, तो हम थोड़ा सा खोल कर इसे ढक देंगे ताकि इससे थोड़ा हवा आते जाते रहे, वरना पानी उबल कर बाहर आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ये भी बना है। इसे हम 30 से 45 यानी 30 to 45 मिनट्स हम इसे पकाएंगे। इतने टाइम में ये अच्छे से पक जाएगा जिससे ये हम पखाल बना सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसे टाइम टाइम पे देखते रहेंगे ये बना है कि नहीं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए ये एक्चुअली खाना जो खाते हैं, जैसे राइस खाते हैं उस टाइप का बना है, लेकिन पखाल के लिए थोड़ा ज़्यादा गीला चाहिए, मतलब और भी ज़्यादा होगा, तो हमें इसे और कुछ टाइम पकाना है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करना, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस पखाल रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये अभी पूरी तरह से हो गया है और मैं अभी गैस का फ्लेम बंद कर लेती हूँ और ये बन गया है। इसे मैं रख लूँगी कम से कम 2-3 घंटा तक, इसे छोड़ लूँगी। तब तक हम इसके लिए कुछ बनाते हैं जिसके साथ इसे खाना है। यहाँ पे मैं कुछ आलू ली हूँ और इसे बॉईल करूँगी, इसका मैं चटनी बनाऊँगी। क्या होता है ना, पखाल के साथ आपको स्पिनच और आलू का चटनी ये सब बहुत बेस्ट होता है। तो आप देखिए आलू बन गया है और अभी हम मैं इसे निकाल लूँगी और इसकी एक अच्छी तरीके से चटनी बनाऊँगी। और इसकी चटनी इसलिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि पखाल के साथ जिस टाइप का चटनी चाहिए वो इस तरीके से होता है, जिससे ये पखाल का मतलब टेस्ट दोगुना हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप समर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, और समर में जब आप खाते हैं ना इसे, तो यकीन मानिए आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और देखिए अभी मैं आलू पहले चटनी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले आलू, उस पर नमक डालकर मुझे इसको करना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा और मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची होती है ना, उसको मैंने फ्राई करके इसका एक पाउडर बनाया है, उसे ऊपर से डाल लूँगी। और कटी हुई प्याज जिसे बारीकी से काटा है, और कुछ हरी मिर्च कट के इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से बनाऊँगी हाथों से। और आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्तर भी ऐड कर दीजिएगा और भी टेस्ट लगता है। तो चलिए फिर साग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये साग लिया है जो यहाँ पे मिलता है, मतलब यहाँ यूके में जो साग मिलता है उसे मैंने यूज किया है। तो उसे बता रही हूँ कैसे बनाते हैं। आप चाहें तो इंडिया में कोई भी साग आते हैं तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थोड़ा मूली के साग के जैसे होता है साग। पहले इसे मैं अच्छी तरीके से कट कर लेती हूँ बारीकी से, देखिए। और अभी मैं सारा कट कर ली हूँ और अभी मैं इसमें ये मूली होता है यहाँ का मूली, तो इस आप वहाँ का मूली इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूली को काट कर इसमें ऐड करना है। अगर कोई बाहर इसे ट्राई करना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छी तरीके से धो लूँगी, अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। और इसे मैं अभी एक पॉट बिठाऊँगी, पहले पॉट में इसे ऐसे ही रखूँगी, कुछ भी ऑयल वेल नहीं डालना है अभी मुझे, ऐसे ही डाल लेना है। और उसमें उसको ऊपर हल्का सा चीनी शुगर जो बहुत टेस्ट बेहतरीन करता है इसका, और थोड़ा सा नमक सल्ट स्वाद अनुसार आपको इसे ऐड करना है। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा चम्मच इसको मिक्स कर लूँगा अच्छी तरीके से, और इसे ढक कर कम से कम 3 से 4 मिनट मीडियम या हाई फ्लेम में
बताऊंगी, मीडियम फ्लेम में ही बताइए इसका थोड़ा सा पानी आने तक। और देखिए इससे अभी पानी निकल गया है, 3 to 4 मिनट्स मैंने इसे बिठाया था। और अभी हम इसको इस तरीके से टाइम टाइम पे देखते इसे बनाएंगे। ये कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, 10 मिनट में ही बन जाता है, साग तैयार हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मेरा साग तैयार हो गया है, और इसके लिए मुझे छुंक बनाना है, छुंक देना है, जिसमें मैंने गार्लिक और ओनियन और सूखी मिर्ची इसको कट करके रखी हूँ। अभी इसमें मैं एक सबसे पहले ऑयल ऐड करके इसमें गार्लिक ऐड कर लूँगी। गार्लिक थोड़ा सा कम से कम 20 से 30 सेकेंड चला बेटा ऐसे चम्मच में मारना है। फिर इसमें ऑनियन और चिली मुझे ऐड कर लेना है, सूखी मिर्ची होती है, और इसे अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी थोड़ा सा, जिस जब तक ओनियन का प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन ना आ जाए तब तक करना है। और इसमें थोड़ा सा मैं सरसों दूंगी, और इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है। अब ये हो गई है, और इसमें मैं साग ऐड कर थोड़ा इमीडिएट ढक देना है ताकि इसका खुशबू इसके अंदर ही रह जाए। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छे तरीके से मेरा सब्जी है। अभी मैं सर्व करती हूँ, कैसे इसे खाना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब निकाल लिया है, और यहाँ पे मैंने पका लिया पॉट पे, पॉट पे बड़ा सा पॉट पे निकाल ली हूँ पानी के साथ। और उसका पानी नहीं निकालना है दोस्तों, उसी तरीके से रखना है फल को। और अभी मैं इसमें सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जो पका हुआ भात चावल का पानी जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है दोस्तों। अभी इसको मैं इस तरीके से खाना है हाथों में लेकर करें। और ये चटनी अभी साफ, और यहाँ पे मैंने कुछ आम मस्त कट कर रखी हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सब्सक्राइब